स्पेशल गाड़ी रोक के और मेरा मान सम्मान किया। आज परमात्मा की कसम खा के कहता हूँ, इस तरह की बात जो बहुत नजदीकियों से उन्होंने बहुत एक आत्मीयता से जो मुख्यमंत्री के श्यान में जो बात कही है, वो कहीं ना कहीं अपनी जो 2029 की जो राजनीति है और जो भारतीय जनता पार्टी को की तरफ अट्रैक्ट करने की जो होने की एक राजनीति, वो कहीं कहीं मतलब रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सिरसा में पिछले कल मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ। इसका उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात हुई कि वहां के लोकल जो कांग्रेस नेता है, कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी गोकुल सेतिया, वो भी इस जो प्रोग्राम था उसमें शामिल हुए और उन्होंने स्टेज से मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की। तो ये किस और इशारा करता है कि हरियाणा में एक अच्छी और हेल्दी राजनीति की शुरुआत हो रही है, या जो कांग्रेस के ये नेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, पिछले कल सिरसा में मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन हुआ, उसका उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे वहां पे, और लोकल जो विधायक है वहां के, गोकुल सेतिया कांग्रेस के विधायक हैं, वो उस प्रोग्राम में शामिल हुए और स्टेज से मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की उन्होंने। तो क्या लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर, या उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, या वो मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लगता है कि ये एक हेल्दी राजनीति का एक हिस्सा है, या कहीं अपने आप को उस भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा बनाने के लिए कोशिश है? देखिए राजेंद्र जी, सिरसा में कल जो बाबा सरसाई नाथ के नाम से मेडिकल कॉलेज की का भूमि पूजन मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी ने किया है, वो सिरसा वासियों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। सिरसा के साथ साथ आसपास का जो क्षेत्र है, उन लोगों के लिए भी बहुत एक मुझे लगता है बहुत अच्छी शुरुआत वहां हुई है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बागड़ी बेल्ट की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है पहला मेडिकल कॉलेज सिरसा में जो गवर्नमेंट सेक्टर से बनाया जा रहा है, वो पहला मेडिकल कॉलेज होगा, जिसमें हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और आसपास का जो क्षेत्र, जो पंजाब और राजस्थान के का क्षेत्र आता है, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी सुविधा स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो होगी। इसके लिए सिरसा के लोगों को और आसपास के लोगों को और सभी लोगों को मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ। और जैसे आपने बात की उस कार्यक्रम में जो सिरसा के कांग्रेस के विधायक हैं गोकुल सेतिया गए और उन्होंने मुख्यमंत्री जी की जमकर तारीफ की और बधाई दी, तो निश्चित रूप से एक हालांकि वो कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन हर जो प्रतिनिधि है वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने क्षेत्र में जो विकास कार्य कोई होता है तो उसका अपना क्रेडिट लेने की जो बात है वो कहीं कोशिश करता है हर प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि, कि उनको क्रेडिट जाए और उनको कहीं ना कहीं भविष्य में उनका उस क्रेडिट का फायदा हो। अगर 5-7 साल पहले की बात करें तो जो भी सरकारी कार्यक्रम होता था, मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम होता था, वहां पर जो हल्के का लोकल जो जनप्रतिनिधि होता था उसको बुलाया नहीं जाता, लेकिन इस कार्यक्रम में गोकुल सेतिया को जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको विशेष रूप से कार्यक्रम में बुलाया गया और ये बहुत अच्छी शुरुआत मुझे लगता है जी। सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये की गई है और ये कहीं कहीं इसमें हेल्दी एक एक्टिविटीज इसमें इसको कहा जा सकता है, अच्छी राजनीति की शुरुआत हो सकती है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है। जनप्रतिनिधि का विकास कार्यों में इन्वॉल्वमेंट शो करना वो अच्छी बात है जी। जब आपने ये कहा कि कहीं कहीं वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को आकर्षित कर रहे हैं या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इस तरह की एक्टिविटीज भी हो, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी है विधायक कोई भी होता है तो पॉलिटिकल आदमी होता है, वो कहीं ना कहीं अगले 5 साल के बारे में बल्कि 10 साल के बारे में वो सोचता है और वो एक राजनीतिक घराने से है। लक्ष्मण दास अरोड़ा जो पूर्व मंत्री हरियाणा में रहे हैं, उनके नाती है वो, और लक्ष्मण दास अरोड़ा 5 साल वहाँ पे 5 बार विधायक सिरसा से रहे हैं और 2-3 बार हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, उनके नाती हैं
निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं इसका जो जो विकास की एक कड़ी एक शिक्षा के विकास में जुड़ी है उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट भी लेना चाहेंगे। और विशेष बात इस कार्यक्रम में ये रही कि जो विधायक ने गोकुल सेतिया ने मुख्यमंत्री हरियाणा की जमकर तारीफ की जी, और यहाँ तक कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री मैंने पहले कभी नहीं देखे। और इतने जो हर तरह से मतलब हर विधायक का और सबका ख्याल रखते हैं तो बेहद अनूठे तरीके से उन्होंने जो मुख्यमंत्री के शान में वो कसीदे पढ़े हैं जी बिल्कुल। ये बात विशेष बात इस कार्यक्रम में ये रही। इससे कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि गोकुल सेतिया विकास के मामले में तो जो एक कड़ी जुड़ी है सिरसा के विकास में उसमें तो अपने इन्वॉल्वमेंट दिखाना ही चाहते हैं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी से भी कहीं ना कहीं एक नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं ताकि अगले जो विधानसभा के चुनाव है जो 29 में चुनाव होंगे उसके लिए भी अपना एक ग्राउंड तैयार करना मुझे लगता है वो उनकी कोशिश है कि प्रयास है कि कहीं ना कहीं वो दोनों हाथों में लड्डू लें। और अभी ये भी विशेष बात है कि अभी जो जुमा अपनी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी है वो लगभग पौने 5 साल काम करेगी, 5 साल लगभग पांच साल काम करेगी और उस सरकार का फायदा भी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के विकास जी बिल्कुल है और उनको कहीं ना कहीं क्रेडिट उसका मिले और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको लाभ मिले और लोगों से को एक सुविधा मिले ताकि जो जब 2029 में वो अब चुनाव में जाएंगे चाहे किसी भी पार्टी से जाएं, अभी हालांकि अब तो कांग्रेस पार्टी से हैं जी, किसी भी पार्टी से जाएं वो कहीं ना कहीं ये कहें कि लोगों के सामने कि मेरे कार्यकाल में इस प्रकार के काम हुए हैं और ये कहीं ना कहीं उनको क्रेडिट मिले, उनका निश्चित रूप से ये प्रयास रहेगा। तो ये एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए और मुख्यमंत्री जी ने भी उनका बड़ा मान सम्मान किया और कहीं कहीं उन्होंने जो गोकुल सेतिया ने जब मुख्यमंत्री की शान में कसीदे पढ़े तो वहीं जो लोकल लीडरशिप थी भारतीय जनता पार्टी की उन पे तंज भी किया कसा, उन्होंने ये कहा भी अपने भाषण में, भाषण की एक क्लिप हम दिखाना चाहेंगे आपको। मेरे आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, मेरी बड़ी बहन आरती राव जी, दुग्गल मैडम, चोपड़ा साहब, गणेशी लाल जी, सभी आदरणीय स्टेज पर उपस्थित मेरे रिस्पेक्टेड बुजुर्गों और सामने बैठे मेरे नौजवान साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं नायब सिंह सैनी जी का वेलकम करता हूं हमारी धार्मिक नगरी सिरसा में। यहां पर वो आए और उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हमारी सिरसा को दी और एक छोटा सा वाक्य जरूर बताना चाहूंगा आज सुबह का, हालांकि उसका इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं था, कि एयरपोर्ट पे मैं गया सीएम साहब का स्वागत करने के लिए। कल मैंने डीसी साहब को कागज भी भेजा कि मैं सीएम साहब का स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन किसी ने शरारत करके नाम कटा दिया, अंदर नहीं जाने दिया। और जब सीएम साहब को पता लगा कि मैं बाहर खड़ा हूं एयरफोर्स के, मैं दाद देता हूं ऐसी शख्सियत की, 3 मिनट वहां पे मेरी वेट करी इन्होंने और जैसे एयरफोर्स से बाहर आए स्पेशल गाड़ी रोक के और मेरा मान सम्मान किया। आज परमात्मा की कसम खा के कहता हूं ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी जिन्होंने इतना मेरा मान सम्मान किया। और इतनी बड़ी सौगात आपने सीएम साहब हमारे सिरसा को दी, नई सरकार बनते सार जब मैंने आपसे मांग भी रखी तो आपने कहा बेटा चिंता ना कर, सारा काम होगा, एक सम्मान, सबका विकास होगा, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही हमें चाहिए था साहब। मैं ये समझता हूं कि बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। और मैंने तो विधानसभा के अंदर भी एक बात कही थी कि देखिए अगर कोई अच्छा कार्य करेगा तो गोकुल सेतिया उनमें से है, कि कभी ये नहीं कि पार्टीबाजी देखते हुए एक ही राग अपना लापते रहो कि विपक्ष को, अगर विपक्ष में है तो कमियां निकालते रहो, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करना भी, ये भी हमारा फर्ज है, उससे हौसला बढ़ता है। जो व्यक्ति स्टेट चला रहे हैं उनका हौसला बढ़ता है,
जब हम लोग भी अप्रिशिएट करते हैं कितना बढ़िया काम हमारे सीएम साहब कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास ही है कि इसी प्रकार से सबका एक साथ एक सम्मान विकास होगा। एक बार फिर से नायब सिंह सैनी जी का, हमारी हेल्थ मिनिस्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम। थैंक यू जी। भाषण की क्लिप में जैसे उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने जो था एयरपोर्ट गया, क्योंकि मुख्यमंत्री का स्वागत के लिए वो जाना चाहते थे। डीसी को उन्होंने अपना नाम भी दिया, लेकिन बाद में किसी ने उनका नाम कटवा दिया और उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, एयरफोर्स स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया गया। तो उसके बाद जब मुख्यमंत्री आए, उनको पता चला, तो मुख्यमंत्री ने जो है उनका इंतजार किया 2-3 मिनट के लिए। तो मुझे एक चीज बताइए, लोकल विधायक हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो है कि वो दूसरी पार्टी के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, और जो प्रोटोकॉल है, मैं प्रोटोकॉल शायद शब्द सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, मुझे मैं कहना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री आए हैं तो ऐसी क्या जल्दी थी इनको कि ये वहां पे एयरफोर्स स्टेशन पे उनको मिलने चले गए, जबकि इनको प्रोग्राम में इनवाइट किया गया था, ये वहां प्रोग्राम में भी तो मुख्यमंत्री से मिल सकते थे, इतनी जल्दी क्यों? फिर मेरा सवाल वही आ जाता है, क्या कहीं ना कहीं इनके मन में मुख्यमंत्री के साथ नजदीकियां बढ़ाने की एक ललक चल रही? देखिए, जैसा इन्होंने राहुल गोकुल सेतिया ने अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से मेरा नाम ऐड किया गया था और किसी ने यहाँ लोकल लेवल पे शरारत की और उनका नाम कटवा दिया गया, लेकिन उन्होंने तब तक मुझे लगता है पता नहीं चल पाया था कि नाम कटा है या उसमें जो मुख्यमंत्री के जो स्वागत में लिस्ट करने वालों के नाम थे उनमें कहीं ना कहीं उसको उनको पता नहीं चल पाया और वो एयरफोर्स स्टेशन पहुंच गए। एयरफोर्स स्टेशन पे जहाँ एयरफोर्स स्टेशन की जो अथॉरिटी होती है वो उन्हीं लोगों को अलाउ करती है जिनके स्थानीय प्रशासन द्वारा नाम जी बिल्कुल बिल्कुल ये होते। तो हाँ, एक तो उसमें गोकुल सेतिया का नाम उनमें नहीं मिला, तो निश्चित रूप से उनको एयरफोर्स स्टेशन की जो अथॉरिटी थी उन्होंने रोक दिया। और उन्होंने ये भी कहा अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में, कि ये तो मुख्यमंत्री की मानता है कि उनको ये पता चल गया गोकुल सेतिया आने वाले हैं और वो 3-4 मिनट के लिए मेरी वेट में रुके, जबकि मेरे को अथॉरिटी ने जाने अंदर जाने नहीं दिया। वहाँ मुख्यमंत्री वेट करने के बाद वापस जब वहाँ पे एयरपोर्ट स्टेशन के कंपाउंड से प्रेशर से निकले तो बाहर मैं गेट पर खड़ा था, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने गाड़ी रोक कर उनका उनको उनको जो प्यार दिया, उनको जो सम्मान दिया, प्यार और सम्मान को कभी भूलेंगे नहीं, ये इस तरह की बात जो बहुत नजदीकियों से उन्होंने बहुत एक आत्मीयता से जो मुख्यमंत्री के शयान में जो बात कही है वो कहीं ना कहीं अपनी जो 2029 की जो राजनीति है और जो भारतीय जनता पार्टी को की तरफ अट्रैक्ट करने की जो होने की एक राजनीति, वो कहीं ना कहीं मतलब रास्ता बनाना शुरू कर दिया है, इसमें कहीं ना कहीं उसकी झलक मिलती है जी। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का सिरसा में ग्राउंड मुझे लगता है खाली है, क्योंकि अभी जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने वहां चुनाव लड़ा है, गोपाल कांडा जी की जो अलोपा पार्टी है उनसे मिलकर चुनाव लड़ा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले रोहतास जांगड़ा को एक कैंडिडेट बनाया था जी जी, बाद में रोहतास जांगड़ा का कैंडिडेचर उन्होंने वापस लिया और गोपाल कांडा के लिए जगह खाली छोड़ दी थी। गोपाल कांडा और इनका दोनों का लोकसभा विधानसभा में मुकाबला हुआ और इन्होंने जीत दर्ज की गोकुल सेतिया ने जी, तो उसमें ऐसे में मुझे लगता है कहीं ना कहीं गोकुल सेतिया कोशिश कर रहे हैं कि दोनों हाथों में लड्डू हो, 2029 का चुनाव होगा तो इस प्रकार की राजनीति की शुरुआत मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी इस प्रकार की झलक मिलती है जी। मेरा साहब एक चीज बताइए, अक्सर ये होता है कि जब भी कोई सरकार चलती है तो विपक्ष के जो नेता होते हैं वो अक्सर सरकार पर या उसके कामों पर कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं और अपने कार्यकाल में हुए कामों के बारे में बताते हैं, अपने कार्यकाल में हुए कामों की फहरिस्त जो होती है वो सामने रखते हैं, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन जहां एक और गोकुल सेतिया जो है वो मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए उनके मंच से बोलते हुए नजर आए, वहीं एक और विधायक है अशोक अरोड़ा।
अशोक अरोड़ा का पिछले दिनों बयान आया था जिन्होंने उसमें कहा था कि अगर जो चंडीगढ़ में विधानसभा भवन बनाने की बात चल रही है, अगर मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे तो हम उनके साथ जाएंगे। अगर ये भवन बनता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनता है तो कहीं ना कहीं सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये बात तय है। तो ऐसे में कांग्रेस के नेताओं द्वारा ऐसे बयान देना कि अगर वहां जाते तो हम उनके साथ जाते हैं, क्या ये वाकई हरियाणा की बेटरमेंट के लिए सोचते हैं या सिर्फ अपनी बेटरमेंट के लिए अपने लिए रास्ते तलाश रहे हैं? देखिए, ये एक हेल्दी एक्टिविटीज की विपक्ष की तरफ से एक शुरुआत इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जब चंडीगढ़ में जो स्टेट के हितों की बात होती है और राज्य के हितों की बात होती है तो एक क्रिएटिव तरह की जो भूमिका विपक्ष ने निभानी होती है वो निश्चित रूप से इसकी अच्छी शुरुआत चंडीगढ़ से हुई है। और जब मैंने कहा कि जैसे स्टेट की अगर बात होती है तो मुझे लगता है सारा का सारा विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी है सरकार के साथ खड़ा दिखाई देगा, और ये अच्छी शुरुआत अब की बार यहाँ से हरियाणा से हो रही है। और जब लोकल अगर कोई कार्यक्रम होता है जिस प्रकार से सिरसा में बाबा सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन हुआ है, इस प्रकार का अगर लोकल कार्यक्रम होगा तो वहाँ का MLA सरकार के साथ खड़ा दिखाई देगा, जनता के साथ खड़ा दिखाई देगा। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मुझे लगता है एक अच्छा एक केमिस्ट्री अगर विपक्ष की और सत्तारूढ़ पार्टी की हो तो जी स्टेट के लिए भी और किसी विधायक डेफिनेटली स्टेट के डेवलपमेंट में बड़ा एक अहम रोल अदा हो सकता है और किसी विधायक के विधानसभा क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि क्रेडिट तो डेफिनेटली नो डाउट क्रेडिट तो हर जनप्रतिनिधि लेना चाहेगा। क्रेडिट के साथ साथ उस क्रेडिट को और आगे बढ़ाकर अगर सरकार के साथ जनता के काम के लिए अपने इलाके के काम के लिए सरकार का सहयोग करने के लिए अगर साथ आता है तो निश्चित रूप से उस इलाके को भी फायदा होगा, और अगर चंडीगढ़ में कोई राज्य के हितों की बात करती होती है तो उस राज्य को भी फायदा होगा। और एक स्टेट की तरफ से एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक किसी प्रकार का निवेदन आवेदन जाता है तो उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं स्टेट केंद्र सरकार भी गंभीरता दिखाएगी और इससे स्टेट को फायदा होगा। जी बिल्कुल। सो दोस्तों, अगर ये वाकई प्रदेश के हित के लिए, मैं बात करूंगा कि विपक्ष जो है अगर सत्तारूढ़ पार्टी के साथ खड़ा होता है तो ये हरियाणा के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और एक डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत हेल्दी और अच्छी शुरुआत है। अगर इस तरह से पक्ष और विपक्ष मिलकर राज्य के, स्टेट के और मैं कहूंगा पूरे देश के हितों के लिए इकट्ठे होकर काम करेंगे तो डेफिनेटली इसमें देश की डेवलपमेंट भी होगी और एक डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी शुरुआत भी होगी। देखते रहें अर्थप्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।